नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से बांध न होने की वजह से किसानों की फसलों को पहुंच क्षति के विरोध में और भ्रष्टाचार व भू माफियाओं के खिलाफ, साथ ही बांध बनवाने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच कर धरना दिया। रविंद्र त्यागी उर्फ कालू टिकैत के नेतृत्व में आधा दर्जन लोग अपनी साफ सुथरे मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। कालू टिकैत का कहना है कि गंगपुर नारनौर पर तुरंत बांध स्टड बने ताकि बाढ़ आने पर फसलें बर्बाद होने से बच सके। कानपुर कमालपुर नारनौर के रहने वाले हैं, वही हमारी खेती बाड़ी है। जब ये बाढ़ आई है तो हमारी सारी फसल कर दी। हमने नोटिस दिया था एसडीएम चांदपुर की, भाई हमारे करीब 60-70 साल का हर साल फसल कर जा, कोई सुनता नहीं। क्यों सुने? नेता आया, जितने भी एमपी एमएलए बने, सब 40% का पैसा ले लें। पुल बना था पीछे नानो रस्तापुर का, पिछले साल भी मोटर साल करी आंदोलन करा, 5 करोड़ रुपया जो मैं गंगाई रहती है बर्बादी, वो अप्रोच फिर बह गई। अब 3 बार बह गई, अब हमारी सारी फसल कर गई। हमने कह दिया हमारा मामला तो मैं दो मत, भाई हमारा बंदा लगवाओ, ये सब पुल को ठीक करवाओ, हमारी रोडवेज बस चलवाओ दिल्ली से हस्तनापुर चांदपुर, हमारा स्वामीनाथन आयोग लागू करो। हमारे बसी ने रोज भीख मांग ली, जैसे एमपी एमएलए की तनख्वाह होगी कई कई लाख की, पेंशन लेते हैं, या तो इनकी भी सबकी बंद करो चोरों की, 40% कमीशन लेते हैं ये लोग, अधिकारी भी इनसे जुड़े पड़े हैं सब, किसान ही कोई नहीं सुनता। हमने कहा कि जब तक स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं होने का, हाई कोर्ट के बिना चांदपुर बिजनौर नहीं आने की, गंगा का बंदा नहीं बनने का, जिन्होंने भूमापियों ने जमीन घेर रखी है उनसे कब्जा हटवाओ, हमारे खादर खेत की इनकी सबकी चकबंदी कराओ, भूमापियों के खिलाफ मुकदमे करो, ये 5-7 मांग है, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हम 24 दिन वहाँ रहे खानपुर बाजार में, आज हम यहाँ आ गए, अब 500 घंटे हम डीएम साहब के कार्यालय में डटेंगे। आप डीएम साहब से मिले आज? अभी नहीं मिले किसी से भी, नाम मिलने जाऊंगा किसी से। जब हम तो चांदपुरी मिलने ना गया खानपुर बाजार में, वीडियो साहब आए थे, वो बोलते चाहिए आपका ऐसा समय पूरा हो गया 650 घंटे, हाँ जी अब क्या प्रोग्राम होगा, जब हम बिजनौर जाएंगे डीएम साहब के कार्यालय। डीएम साहब भी जब सत्यानंद नानदौर गए, उन्होंने हमारी तरफ को ना देखा, मैं एजीएम ना देखा, कोई हमारा ये तो इलाके में दिक्कत है कि हमसे बिना पूछो या उनसे बिना बोल दो हमारी कोई पूजा आ रही है, वह फसल बर्बाद न डीएम साहब की हो रही, न मुख्यमंत्री की हो रही, न प्रधानमंत्री की हो रही, वह फसल तो हमारी गल गई। अब कहते थे मुआवजा दे देंगे, अरे तुम क्या मुआवजा दे दोगे, उस मुआवजे को तुम रख लो, हमारा बंदा बनवा दो, ठीक जो हमारा स्थायी समाधान होता है, ठीक है। हर आदमी कमीशन लेने में लग रहा है, चिंता है कोई नहीं सुनता, हर जगह चोर फिर रहे, दलाल फिर रहे हर जगह। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।